फाइट लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मकराना से मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। नाम वापसी का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन खत्म होने के बाद अब कह सकते हैं कि अब चुनावी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कौन से योद्धा मैदान में ये तस्वीर साफ है? 2294 योद्धा है जो 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो कई दिग्गज थे जिन्हें मना लिया गया, लेकिन इसके अलावा राजकुमार रेड़वा हो या फिर हेम सिंह भड़ाना हो, धन सिंह रावत हो, ये मंत्री हैं जिन्हें या तो मनाया नहीं गया या फिर ये माने नहीं है। इधर कांग्रेस की अगर बात कर ले तो ललित भाटी के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसे मनाने में कांग्रेस कामयाब हुई। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कोशिश जो की गई थी, जो कवायद की गई थी, उसमें इन्हें सफलता मिली या फिर नहीं मिली है। तो क्या माना जाए कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया गया है कि इन्हें मनाने के लिए, लेकिन रूठे यार कई ऐसे हैं जो माने। तो बगावत के दौर में कितना हुआ डैमेज कंट्रोल, ये अहम सवाल यहाँ पर उठता है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें मनाने की कोशिश की गई लेकिन वो माने नहीं। कई ऐसे जिनके लिए कोशिश भी नहीं की गई, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तमाम अहम सवाल है जो यहाँ पर जरूर उठ रहे हैं, और इसी पर बिग फाइट लाइव में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, बीजेपी से पिंकेश पोरवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अजीत सिंह शेखावत जी हैं, आम आदमी पार्टी से पूरम चंद भंडारी जी, वहीं वाम दल से हमारे साथ भंवर सिंह जी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सबसे पहले हम सवाल अजीत जी आपसे रहेगा, कांग्रेस की बात करें, बागियों की बात करें तो सबसे ज्यादा तादाद कांग्रेस में नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद भी इन्हें मनाने में कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली है, क्या वजह मानते हैं आप और ये कितना नुकसान करेंगे पार्टी का? देखिए सीता जी, हर पार्टी ये चाहती है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता रुष्ट होकर के और वो पार्टी लाइन से के खिलाफ नहीं जाए, लेकिन कुछ लोगों को अब आपने कहा कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा बागी है, क्योंकि राजस्थान में ये एक सत्य है, सनातन सत्य है, पूरे राजस्थान को पता है कि कांग्रेस की एक लहर चल रही है और कांग्रेस ने सोच समझ करके सीटें दी है। 200 सीट के अलावा 201 सीट नहीं दे सकते कार्यकर्ता, एक एक सीट पे 20-20 कार्यकर्ता थे और मानता हूँ कि करीब करीब उनमें सक्षम कार्यकर्ता थे, लेकिन सीट तो एक को ही दी जाती है, टिकट तो एक को ही मिलेगी। कुछ लोगों को उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि वो अपने आप को पार्टी से बड़ा मानते हैं। वैसे लोग जिन्होंने फार्म भर दिया, और कुछ लोगों ने तो आकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज 2 बजे तक लोग बाग आ रहे थे, उन्होंने अपने आप ही अपना पर्चा विड्रॉ किया, लेकिन जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर जनता चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव लड़ रही है वो तो लड़ ही रही है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को किस हर तरह से उसको परास्त करके और उसको राजस्थान से निकालना चाह रही है, वो उनको हटाना चाह रही है। तो जनता चुनाव लड़ रही है तो हमें कोई ज़्यादा इसमें कोई सोच समझ के या ज़्यादा कोई हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जनता खुद चले कांग्रेस के चिंता करने की बात नहीं है, इसलिए अजीत जी इतना कोई फर्क आप लोग शायद नहीं मान रहे कि इन बागियों के मैदान में आने पे कोई फर्क कांग्रेस को पड़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी ये कह रहा है। पिंकेश पोरवाल जी, जिस तरह से अभी कहा अजीत जी ने कि यहाँ पर लहर कांग्रेस की है और यही वजह है कि यहाँ पर बागी भी ज्यादा कांग्रेस के हैं लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी में मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो मंत्री रहे हैं मौजूदा कार्यकाल के वो तैयार नहीं हुए, वो मानने को नहीं तैयार है, वो अभी भी रूठे बैठे और मैदान में डटे हुए हैं? श्वेता जी, आज रूठे हुए या बागी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता जो कि बागी होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, निर्दलीय लड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हो गए और उन्होंने जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन कुछ लोग रह गए हैं, तो मैं तो इस बात पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता सारे विचारधाराओं पर आधारित पार्टी से जुड़कर कमल के निशान को देखते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता कुछ सालों तक पार्टी की सेवा करते करते वो समझता है कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया हूँ, तो हमारे तो संगठन के उच्च पदाधिकारी अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि पार्टी बड़ी है, हम छोटे हैं। तो अगर किन्हीं कार्यकर्ताओं को ऐसा मुगालता होगा तो वो इस चुनाव के बाद निकल जाएगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से इस प्रकार से अनुशासनहीनता करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ये तय है
कि आप राजस्थान के अंदर देख लीजिए, सरकार हमारी बनने वाली है और जनता, जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बताई बात बताई कि जनता सारी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हमारे तो भारतीय पार्टी जनता पार्टी है तो जनता तो चुनाव लड़ रही है तो हमें पता है, लेकिन ये जो आपकी लहर की आप जो कांग्रेस के अंदर बात कर रहे हो ये सुनामी इनको इतनी महंगी पड़ेगी कि इनकी गलत फहमियां निकल जाएगी और अबकी बार राजस्थान के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी। पिछली बार आप लोगों को भी तो थी पिंकेश जी, पिछली बार आप लोगों को भी तो थी मोदी लहर, भाजपा की बात कर रहे थे आप और वो हुआ भी, तो फिर इसमें आप सुना नहीं सकते, कांग्रेस भी मान सकती है, नहीं मानना अलग चीज है, और वो लहर तो वो थी कि 163 सीटें राजस्थान के अंदर इतिहास बनकर मिली है, वो लहर थी। ये लहर जिसके अंदर इनके कार्यकर्ताओं को पता नहीं लग रहा है क्या बोल रहा है, कल अजय माकन जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के लिए ये कह गए कि वो कुछ कहते हैं तो वो उनकी निजी राय होगी, इस प्रकार की परिस्थितियां है। इनके पी चिदम्बरम जी कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी के दावेदार ही नहीं है, पार्टी की बातें है, इसमें हम ना ही पड़े पिंकेश जी, हाँ जी। पार्टी की बातें कांग्रेस जब समझेगी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे कि बड़े मैंडेट की बात कर रहे हैं आप, तो वो जनता ही थी जिसने बीजेपी को दिया 163 एक बार में मैंडेट, और ये जनता ही है जो इस बार भी चुनने वाली है। आम आदमी पार्टी से पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ है। पूनम चंद जी, ऐसी स्थिति तो आम आदमी पार्टी में तो होगी नहीं, ये तो तय है, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस में जिस तरह से बागियों को मनाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है, उसे लेकर किस तरह देखते हैं आप इसे, क्योंकि प्रदेश में आपके भी कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के भी चुनाव। श्वेता जी, साम नाम सिर्फ दाम ही चल रहे हैं और दाम से ही या पद देके राजी कर रहे हैं। अभी मैं परसों एक कल चैनल बैठा था, मैंने यही कहा था ये सब दागी बागी बैठ जाएंगे, जो बगावत कर रहे हैं बैठ जाएंगे, कोई ना कोई लॉलीपॉप मिल जाएगी, और आज मेरी बात साबित हुई है कि ज्ञानदेव जी आहूजा को प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, तो ये तो सब राजी कर लेंगे, ऐसा है कोई फर्क नहीं पड़ता इनके सबको कुछ कोई। अरे जब दूसरी पार्टी आने वाले को 6 घंटे पहले आया और टिकट दे रहे हैं तो राजीनामे क्या इनका, तो अब ऐसा है दोनों पार्टियों को सिद्धांत नहीं है। हरीश मीणा जी आए टिकट दे दिया, ममता शर्मा आई टिकट दे दिया, अशोक शर्मा आए टिकट दे दिया, तो ये तो ऐसा है इनका कोई सिद्धांत विधान की बात नहीं है। और बात करें हमारे अनुशासन है, अनुशासन है तो आप ये कहिए दोनों में, आप पूनम चंद जी दोनों में, दोनों में कोई तो 19-20 होगा, आप कह रहे हैं दोनों के सिद्धांत एक समान बराबर है। हाँ बराबर ही है ना, कि जो भाजपा कांग्रेस में गया कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जो कांग्रेस से भाजपा में गया भाजपा ने टिकट दे दिया, तो एक ही थाली चट्टे बटे हुए ना, दोनों ने लूटने काम किया है ना। जब ये कहते थे भाजपा भ्रष्टाचार दूर करूंगी, कौन से को जेल भेज दिया, कांग्रेस कहती थी वसुंधरा भ्रष्ट है किसको जेल भेज दिया, ये दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। भंवर सिंह जी, राहुल जी ने क्या कहा था, क्या आप पूनम चंद जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि साम दाम दंड भेद में सिर्फ दाम चले हैं ये आरोप लगा रहे हैं। देखो क्या है श्वेता जी, की पहली बात तो अभी बहुत से वीडियो भी चल रहे हैं जहां कह रहे हैं वो कि हमने पैसे दिए हैं और पैसे देके टिकट हासिल किए, ये दोनों पार्टियों की तरफ से ही है, जहां करोड़ों रुपए में टिकट खरीदे गए हैं, तो ये बहुत सी जगह हो रहा है। और कार्यकर्ता जो वास्तविक कार्यकर्ता थे जो बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी तो हमारी एक भी कैंडिडेट बगावत करके दिखाए, कहीं नहीं होती है बगावत, पूरे ना केरल में हुई, ना आज तक त्रिपुरा में हुई, ना बंगाल में, कोई विपक्ष में लड़नी, ये कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, यहाँ धन कमाने की लड़ाई है, जनता को लूटने की लड़ाई है, आज चरित्र नहीं है कोई इन लोगों का, ये कल तक जो कांग्रेस में थे आधी रात पहले, वो आधी रात बाद में बीजेपी में और कैंडिडेट भी बन गए, जो दोनों पार्टियां कह रही थी। जवाब आप ही दे दीजिए अजीत सिंह जी, ऐसा श्वेता सिद्धांतों की बात कर रहे हैं भंवर जी, तो जरा आप ही जवाब दीजिए। एक छोटी सी कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तीन बीन 3.5 आदमी है इनके पास, आदमी तो है ही नहीं, कैंडिडेट कहां, दिल्ली में क्या हुआ आपका, साफ हो गए जीरो, कहां कैंडिडेट, दिल्ली में जीरो खड़े तो हुए जब 15 साल आपके पास तो यहां कैंडिडेट ही नहीं है। अजीत सिंह जी, आप अपने घर में थे, अरे अमेरिका देशी दिल्ली की और अमेरिका की बात कर रहे हो, जब 15 साल आप बता सकते हो क्या, जीरो हो गए करने के लिए आदमी नहीं, आप ये बता सकते हो कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में अंतर क्या है, नहीं होगा एक एक करके बात नीति है, कह रहे हो क्या नाम का हमारे 44 पे आगे रह गए, 40 पे आगे रह गए, आपने क्या बात कर रहे किया क्या जरा यहाँ तो जो इस सरकार ने चाहा उसके पक्ष में बैठे 60 आदमी टिकट मांगने के लिए खड़े लाइन में और बाहर वालों टिकट दे रहे पैसे लेकर के। बात सुन लीजिए जवाब ले रहे हैं इनको तो शोर करने की आदत है, पूरे पूरी पार्टी में हमारे यहाँ पर एक सीट पर 50-50, 60-60 आदमी टिकट मांग रहे हैं, इनकी पूरी पार्टी में 50 आदमी नहीं है, तो बाहर अब कहां से ये तो इनको तो बोलना है, इनको बाहर वालों टिकट दे दिया, आप बीच में मत बोलो, ये बता दो मुझे, एक बार आप वो हमारे ठीक है टिकट पिंकेश जी
पिंकेश जी, बीजेपी की अगर बात करते हैं, कहा यह जा रहा है कि मनाने की कोशिश की गई है उन्हें जिन्हें मनाना चाहती थी पार्टी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन ही नहीं गया, उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की गई। क्या ये भी रणनीति है या ये उस सीट को लेकर समीकरण है? श्वेता जी, निश्चित रूप से सारे जो हमारे कार्यकर्ता बागी बनकर गए हैं, सबसे किसी न किसी प्रकार से संपर्क किया गया, और जिन लोगों ने वापस अपनी मूल भावनाओं को मानते हुए, मूल धाराओं को मानते हुए पार्टी के अंदर आए, उनका स्वागत किया गया। जो नहीं आए वो बाहर बैठे हैं। अब रही बात भंडारी जी की बात का, मैं जवाब दे दूं, ये आप पार्टी के अभिनेता बनकर यहाँ पर बैठे हैं, इनके बारे में एक छोटी सी बात बताऊँ। वो अरविंद केजरीवाल जो वहाँ दिल्ली के अंदर ये कहता था कि हम 370 पेज की शीला दीक्षित के खिलाफ बुकलेट लेके बैठे हैं, इतने सबूत लेके बैठे हैं, उस सबूत को हम पेश करेंगे और शीला दीक्षित को जेल कराएंगे, ये वही चरित्र है जिसने फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। जब कांग्रेस ने इनको कीक लगाई तब इनको समझ में आई, अब क्या करें। ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना, एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, किसी को दो बार नहीं बना सकता। इन्होंने एक बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना दिया और बेवकूफ बना के सोशल मीडिया के मार्फत इन्होंने काम करके दिल्ली की सत्ता हथिया ली, जबकि ये जानते हैं कि इनकी पार्टी की वास्तविक स्थिति क्या है। इतने भ्रष्ट लोग हैं और उदाहरण बार बार दिल्ली का दिया जाता है, आम आदमी पार्टी के किसी भी इतने केस चल रहे हैं इनके खिलाफ, या फिर कोई भी तीनों बातों में जवाब देता हूं, इनके केस चल रहे हैं, देखिए इनका अरविंद जी के, मैं इनकी बात जवाब दे रहा हूं, क्या कह रहे हैं ये शीला दीक्षित के खिलाफ में, इनसे कहो एक मिनट सुन लीजिए, आप जितने सुन लीजिए, आप एक मिनट माफी मांगते हैं, अरे सुन लो, आप सुन लो, कौन देख रहा है, अरे सुन लीजिए आप भाई, सुन लीजिए, आपके राजस्थान में जानता कौन, अरे आप सुन तो लो, कौन जानता है दिल्ली में, कौन जानता था मार्को, वहाँ तो आपने जनता को जानता था दिया, यहाँ नहीं बनेगी, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। सुन लो, आपने क्या कहा कि हमने शीला दीक्षित के साथ मुकदमा किया, अरे वो जो हमारे पास राजस्थान में डिबेट करने तो ज्यादा बेहतर है, जो दिल्ली में नहीं जाते हैं, इनकी बात है, एक एक मिनट में जवाब दूंगा, इनका दिल्ली के अलावा है क्या, चलिए ठीक है, इनके पास दिल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है, क्या हमने सबूत कल पेश किए, एक मिनट सुन लो आप, दिल्ली को छोड़िए, दिल्ली को छोड़िए, इनके पास दिल्ली के अलावा कुछ है ही नहीं, हम राजस्थान की बात करते हैं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्त लिमिटेड है, यहाँ पर वक्त खत्म हो जाएगा। अजीत जी, एक अहम सवाल यहाँ पर है, सैयद हुसैन जो चुरू से कांग्रेस से थे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने आरोप लगाया कि 60 लाख की पेशकश की गई थी, तो यानी जो पैसों को लेन देन की बात की जाती है, करोड़ों की बात करो आप, या फिर बदनाम करने की कोशिश, श्वेता जी करोड़ों की बातें हैं, लाखों की बातें नहीं है, उनको टिकट नहीं, पूनम चंद जी चलिए आपको तो सब पता है, आपको तो सभी पार्टी के सब कुछ पता है, लेकिन अजीत जी को जवाब देने दीजिए, ठीक है, ये अजीत जी सारी पार्टियों के भंडारी यही है, नहीं हम तो जीरो दिल्ली के आपको साफ कर दिया, उनके तीन पे रह गए आप, सुनो महाराज सुनो, इतने उत्तेजित मत हो, आपकी सरकार नहीं आ रही, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप आपको सुनो, अब उन्होंने क्या आरोप लगाया क्या आरोप नहीं लगाया मुझे तो इस बात का पता नहीं है, लेकिन जब तक उनको टिकट का बंटवारा नहीं हुआ तब तक उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो सुना है, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, क्यों करी है, क्या करी है, क्या तकलीफ थी उनके पास, कोई लालच दिया गया या कोई कर्ज था या क्या, राम जाने या वो जाने, ऊपर वाला मालिक जाने, लेकिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे जो लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, युवा अध्यक्ष है, इन्होंने पूरे 5 साल में 6.5 लाख किलोमीटर का सफर किया पूरे राजस्थान में, और इन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी खाक छानी और कांग्रेस को मजबूत किया, कांग्रेस जो मृत प्राय अवस्था में पड़ी थी, 21 सीट आई थी, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसको वापस तैयार किया, और वापस तैयार करके बता दो, आप दोनों ने जवाब दिया कि दागी बागियों को ट्रीट क्यों दिया आपने, बता दो, जो दूसरी पार्टी है वो जवाब दो, आपको पूछ के थोड़ी देंगे, हमें क्या बताओ ना, मेरे को आपको इतनी बड़ी तारीफ, राहुल की तारीफ कर रहे हो आप, हमारे मालिक थोड़ी हो, आपको पूछ के थोड़ी देंगे, नहीं आप बताइए ना, दोनों पार्टी मिलकर कर रहे हो डिबेट, कर रहे हो आपका राजस्थान में वजूद है नहीं, यूं ही बोले जा रहे हो, अरे आप शांति रखिए ना, ये क्या तरीका है, पूनम चंद जी, पूनम चंद जी बात कहने दीजिए, बात कहने दीजिए उन्हें, ठीक है आपके पास भी लौटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने वहाँ पर किस तरह का उनको लालच दिया है, क्या दिया है, क्योंकि ये लालच देने में, झूठ बोलने में और नकाब ओढ़ के बोलने में, और अजीत जी इसी पर जवाब हम पिंकेश जी से ले लेते हैं, क्योंकि पिंकेश जी अभी जब चर्चा शुरू हुई तब भी यही कहा गया था कि लॉलीपॉप दिया गया, पूनम चंद जी ने भी ये आरोप लगाए, लेकिन एक बात बताइए क्या किया गया, जिन्हें मना लिया गया, क्योंकि डैमेज कंट्रोल में जहां बात आती बीजेपी और कांग्रेस से, तो बीजेपी एक कदम आगे कांग्रेस से, ज्यादातर लोगों को मना लिया गया है, लेकिन क्या लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ज्ञानदेव आहूजा को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है, ऐसे लोकसभा का लालच, लोकसभा की टिकट, श्वेता जी
ये झूठ बोल, जिस प्रकार से अजीत जी ने मेरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि भाई झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम इनका है और झूठ को भली भांति किस प्रकार से प्रचार, आप प्लीज डिबेट करिए, ये तरीका सही नहीं डिबेट करना, बीच में बोलिए, बोलिए सुनिए। आज राजनीतिक परिदृश्य यह है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से झूठ फैला रही है, उसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। राजपूत समाज को कांग्रेस पार्टी ने 13 टिकट दिए, भारतीय जनता पार्टी ने 28 टिकट दिए, 27 टिकट दिए, और ये स्थिति देख लीजिए, मानवेंद्र जी को झालरापाटन से उतारा और ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमने राजपूत समाज का बहुत भला किया, राजपूत समाज के भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, जबकि आंकड़े क्या कह रहे हैं, पूरे राजपूत समाज को राजस्थान में 13 टिकट दिए और भारतीय जनता पार्टी ने 27 टिकट दिए, डबल से एक ज्यादा। तो आज ये परिदृश्य हो गया कि किसी भी प्रकार से आप किसी भी डिबेट में ले लीजिए, टिकट भी जाति आधार वाली जो बात है क्योंकि जाति आधार, जैसे आप देखिए किसी भी डिबेट के अंदर हम राम मंदिर का आगे लेके नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये लोग आगे रखे उकसाते हैं ये लोग, अरे प्लीज आप डिबेट करिए, आप सुनिए ना, ये क्या तरीका नहीं, आप सुनिए, आप लेट में फिनिश, मैं बात कर दूं उसके बाद आप बोलिएगा, आपका नंबर आई है तब बोलिए, भंडारी जी ये कोई तरीका नहीं, आपका नंबर आया तब बोलिए, सुनिए अब क्या स्थिति है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी का बयान आया, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सामने बी डी कल्ला जी खड़े हुए हैं, उन्होंने भारत माता की जय रुकवा के सोनिया गांधी जी की जय लगवा रहे हैं, इधर कमलनाथ जी कह रहे हैं अभी थोड़ा सब्र रखिए हिंदुओं को हम देख लेंगे, इधर राष्ट्रगान मंच पर होता है और राहुल गांधी जी हंसी टिटोली करते हैं, और आज का ताजा बयान आप सुन लीजिए, सीपी जोशी जी ने क्या कहा है, सीपी जोशी ने इतनी बड़ी धार्मिक बात कही है कि जो गैर ब्राह्मण है वो हिंदू है ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ये टिकट लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, जाति के आधार पर लोगों को बांटती है, अजीत जी इसका जवाब दे दीजिए, लगातार कांग्रेस को लेकर इतने आरोप, इतनी बातें कह दी यहाँ पर पिंकेश जी ने, ये मेरे मित्र सिद्धांतों की बात होती है और दूसरे जब जाति बात की जाए तो सब कहते हैं कि हम जाति पे बात नहीं करेंगे, हम जाति पे बांटते नहीं है, फिर ये सब क्या है श्वेता जी, कैसे आरोप ये लोग लगा, मेरे मित्र कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 दे दिए और 23 दे दिए, अरे ये नहीं देख रहे के पूरे 5 साल तक राजपूतों की कमर कुटी है, उनकी बेइज्जती तो ज्यादा टिकट देते ना, सम्मान में 13 वोट दिए, टिकट बना रहे हो राजपूतों, टिकट देने से होता है क्या, उनकी बेइज्जती की गई, उनको मारा गया, उनके साथ मतलब उनके आत्मसम्मान टिकट दे दी, 13 टिकट देने, हम कोई टिकट दिए हमने राजपूत को भिखारी है क्या, मान सम्मान की बात करिए, राजपूत भिखारी है, भिखारी है राजपूत, आपको पता नहीं राजपूत क्या है, क्या करेंगे आपको पता नहीं राजपूत क्या है, राजपूत वो है, राजपूत पूरी बात कर रहे हैं, यहाँ पूरी बात की जा रही है, जो मुद्दे पे रहते हैं, एक मिनट भंवर जी से सवाल है बाबर जी, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस में देखो और आप लगातार ये भी कहते हैं कि दोनों ही पार्टियां जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन एक बात बताइए, बागियों को लेकर बात हो रही थी, कल ही भी हमने इस पर चर्चा की थी जिसमें 20 घंटे का वक्त बचा हुआ था जब हम चर्चा कर रहे थे और आज वो मियाद भी खत्म हो चुकी है, आपको क्या लगता है इन चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही बागी कितनी रणनीति बिगाड़ सकते हैं, कितना नुकसान इन्हें कर सकते हैं और क्या इससे दूसरे लोगों को फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, नहीं ये दोनों के जो बागी हैं वो तीसरे व्यक्ति को फायदा पहुंचाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से वो मैदान में लड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, मंत्री के स्तर के लोग लड़ रहे हैं ना, आज ये मंत्री को ही अपनी नीति रीति नहीं समझा पाए प्रदेश में, जो पार्टी के मंत्री है वो ही नहीं समझते, वही कैडर नहीं समझ रहे, तो क्या कार्यकर्ता को समझाएंगे साहब इनकी क्या कैडर बेस पार्टी है, ये सब लोग पैसा कमाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए, जाति आधार पर विभाजीकरण करने के लिए, अभी कल सुब्रमण्यम स्वामी आए, उन्होंने कहा हिंदुत्व पे ही चुनाव लड़ेंगे, विकास पे नहीं लड़ेंगे हम चुनाव, हमारा भारतीय जनता पार्टी का वो पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो कह रहे मुसलमानों को झूठ बोल रहे हैं, अरे कल क्या सुब्रमण्यम झूठ बोलते हो, मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो झूठ एकदम से, आरोप लगा रहे हो, रिकॉर्डिंग है, उन्होंने एक विकास पे नहीं लड़ेंगे, जाति पे लड़ेंगे, अरे सर मानी जी मैंने पढ़ा है, अरे कैसी बात कर रहे हो, दिखा दीजिए प्रूफ, दिखा दीजिए आप, दिखाओ आप, अभी आरोप लगा आप, अभी दिखाओ, अभी दिखाओ आप, रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, प्रूफ दे दीजिए, दे दीजिए उन्होंने बोला कि विकास के नाम पर 4 प्रधानमंत्री चुनाव हारे, उनकी आधी सीट हुई है, इसलिए ये चुनाव विकास में नहीं, धर्म के और हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा,
और 2019 का चुनाव ही होगा। पत्रिका की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कल के प्रोग्राम की आप। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे जूते मार रहे हैं इस स्टेज अखबार में। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बड़ा अखबार में आप नहीं नहीं आपा मत खोइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए आप। चलिए ठीक है, शांत होइए, वीडियो भी दिखा दूंगा। अजीत जी ठीक है, 350 मंदिर जब तोड़ दिए, 350 मंदिर जब तोड़ दिए, और राम की बात करते हैं। लेकिन अजीत जी ठीक है, विकास की बात ठीक है, चलिए बीजेपी को लेकर। अजीत जी एक अहम सवाल है, अजीत जी एक अहम सवाल है, क्या चुनावी साल में चुनाव के वक्त दिग्गज जो बातें करते हैं उस पर कितना भरोसा किया जाए? क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस की बात कर ले, आपके अध्यक्ष टिकट वितरण को लेकर कई बातें उन्होंने कही थी, जिसे जिन पैरामीटर्स की बात की गई थी वो यहाँ लागू तो होते नजर नहीं आए। ऐसे में जो वादे किए जाते हैं जनता से, जनता कितना उन बातों पर विश्वास करे? कहीं ये सिर्फ चुनावी जुमले तो नहीं है जो बीजेपी के लिए कांग्रेस कहती है, और कांग्रेस में भी यही चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी ने तो जो भी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था वो जुमला साबित हुआ। मनरेगा इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने 14-15 लाख नौकरियां देने की बात की थी, 1 लाख नौकरियां नहीं देश के, इन्होंने बेरोजगारी हटाने की बात की। मुझे सिर्फ एक लाइन में ये बताइए आप, क्या भरोसा किया जाए इस वक्त जो कहा जाता है नेताओं के द्वारा, उस बातों पर भरोसा किया जाए? बिल्कुल भरोसा कर, वक्त खत्म होने वाला है। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो ये लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। कोर्ट ने भी कहा है कि अगर ये झूठे घोषणा पत्र जारी करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इन्होंने अभी जो किसानों की बात कर रहे हैं, राजस्थान के लोग बाग सरहद पे मरना पसंद करते थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है, फंदे पे लटक के मर रहा है। पहली बार राजस्थान में आत्महत्या कर ली, अलवर में आत्महत्या कर ली, इनको शर्म नहीं रही है। दोनों पार्टियों की प्रायोरिटी होती है किसान और युवा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सब भूल जाते हैं। ये कोई बीजेपी की बात नहीं है, कोई कांग्रेस की बात नहीं, सबकी यही बात है। पिंकेश जी क्योंकि हम बागियों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि ने बना लिया जाए, लेकिन अब तो चलिए वो मियाद भी खत्म हो गई है। अहम बात ये कि अगर क्या वजह है कि जो मंत्री हैं वो नहीं माने, उन्हें नहीं बनाया पाया गया, 5 साल वो यहाँ पर कैबिनेट में रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, इतनी ज्यादा नाराजगी यानी पार्टी से बड़ी उनकी नाराजगी हो गई। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूं, यहाँ पर माने नहीं रखते बातों पर। अजीत जी ने जो घोषणा पत्र के बारे में बात कही है उसका मैं जवाब देता हूँ। 611 में से 90% से ऊपर 90% लोग इनको आता नहीं है कुछ पार्टी में, 611 में से 90% घोषणा पूरी कर। अब रही मंत्रियों की बात, हाँ मैं देता हूँ, अब रही मंत्रियों की बात, बिल्कुल बिल्कुल मंत्रियों की बात बता रहा हूँ मैं। अरे सुनिए मंत्रियों की बात रही है तो उसमें मैं एक लाइन आपको कह देता हूँ, सुनिए एक शांति से तीनों जनों से अनुभव, एक मिनट के लिए आधे सेकंड सुनिए कि इनके सचिन जी पायलट अजमेर छोड़कर टोंक गए, और मैंने एक बात कही थी इसमें कि टोंक इसलिए गए कि अरे सुनिए मुस्लिम, अरे आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्वेता जी पूछ रहे हैं, कैसी हालत है इनकी, ये इतने बोखला गए, इतने बोखला गए। बिल्कुल बता रहा हूँ, लिंक है उसका जवाब, मैं उससे लिंक करके बता रहा हूँ। सचिन पायलट जी की ये स्थिति है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए टोंक गए और टोंक गए, अरे चुप रहो ये ना, आप सुनते क्यों नहीं, जवाब सुनिए आप और उसमें क्या स्थिति है वहाँ के नवाब साहब, आपने आपकी ताजा बात है, दिया ही नहीं टू द पॉइंट। आप पहले राजपूत पर आए और आप अल्पसंख्यक पर आ रहे हैं, मुस्लिम वोटों के लिए आ रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। पिंकेश जी नहीं, अब वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बिग फाइट लाइव में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अहम सवाल ये था कि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि बागियों को मनाया जा सके। कवाद भी यहाँ पर जारी रही, कुछ को लेकर सफलता मिली, हालांकि बीजेपी भी सफलता ज्यादा मिली, लेकिन बड़ी बात है कि 5 मंत्री जो कैबिनेट में थे वो रूठे हैं, वो बागी होकर आए हैं, उन्हें नहीं मनाया जा सका है। क्या वाकई में उन्हें मनाया नहीं जा सका या वो मानना नहीं चाहते या फिर कोशिश ही नहीं की गई, ऐसे कई अहम सवाल जो यहाँ पर उठ रहे हैं। हालांकि अब जो योद्धा है वो मैदान में तैयार है, 2294 योद्धा है जो चुनाव के लिए तैयार खड़े हुए हैं। अब इस लड़ाई में कौन जीतता है कौन हारता है तो वक्त बताएगा, लेकिन जो दिग्गज है दोनों पार्टियों की हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस, उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।